बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि पीडीएम के बारे में मैं खुद बात ना ही करूँ तो बेहतर है। अब फिर खुद जो बातें से ही कर रहे हैं वो उनके बारे में बहुत सी चीज़ें खुद ही वादे कर रहे हैं, तो अब मैं क्या कमेंट करूँ। वो खुद ही से कमेंट दे रहे हैं और बता रहे हैं ये चीज़ कि वो ख़त्म हो चुके हैं। सर, ये मुस्लिम लीग नून की मुस्लिम लीग नून को ऑफर दी गई पीपल्स पार्टी की जानब से कि पंजाब हुकूमत में इतने इत्मीनान लाते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं, कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, उनका जमहूरी हक है, अगर वो करते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सैनेट इलेक्शन में उनका हाल हुआ है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ऊपर, और अगर वो अपना शौक पूरा करते हैं कर लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त इनकी अपने आपस में बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन आगे 2.5 साल बाद इलेक्शन आना है, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है खुद, और इनके अपने उम्मीदवार हैं हर जगह पर, तो इनका आपस में जो कॉलेशन बना हुआ है वो अपने पैसा बचाने के लिए ये वक्ती है, ये लंबा चल ही नहीं सकता, तो अभी से उसमें दराड़ें आना शुरू हो गई हैं, जैसे इलेक्शन का टाइम और करीब आएगा दराड़ें और आएंगी और ख़त्म हो चुकी है, मजीद भी हो जाएगी। ये केसेस हमारे टाइम के तो हैं नहीं, पुराने केस चल रहे हैं इनके ऊपर। अब केस तो हर बंदे ने, अदालतों का काम है, हर बंदे ने अपना केस भुगत रहे हैं, उसमें सरगार माहौल हम क्या दें? सरगार माहौल तो हमें धोखा दे के ये इलाके ले जा चुके हैं कि यहाँ से गए हैं कि जी बीमार से और वहाँ पे जाके बिल्कुल ठीक ठाक है। अब हमने रिपोर्ट मांगी है, कितनी बार चेकअप कराया है, डॉक्टर कौन है, कोई रिजल्ट दें उसका, हम वो चीज़ें मांग रहे हैं और बाकी वापस आना चाहिए, अपने मुकदमे फेस करने चाहिए कि कब तक छुपेंगे। देखें, हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन आपके ऊपर जो केसेस हैं और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम हैं उनका जवाब तो आपने देना है एक दिन, तो इस तरह भाग जाना, डरपोक बन के इंतखाबी निशान शेर और भाग आप भाग जाएँ और छुप जाएँ, तो ये कोई तरीका नहीं है। ये जो नैब चेयरमैन था जो भी बैठा हुआ है, ये किसे लगाया था? तो बस ये वही रोना धोना है, लूट मार की है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्हीं का लगाया हुआ नैब चेयरमैन है, हमारा लगाया तो अभी आया नहीं है। जब वो आएगा तो फिर वो भी अपने कानून के मुताबिक काम करेगा, लेकिन वो कम अज़ कम जो इस वक्त नैब के अंदर कुछ कमियाँ हैं उसी कमियों को दूर करेगा। कन्विक्शन हमारी रेशियो बड़ी कम है, हमारा जो कन्विक्शन का जो हमारा प्रोसीजर है बड़ा वीक है नैब का। हम तो चाहते हैं कि हम ऐसे कानून मजीद ले आएँ ताकि हम इस चीज़ को स्ट्रांग करें, तब तक इस मुल्क में लूट मार ख़त्म नहीं होगी, और ये नहीं कि सिर्फ किसी और के लिए, ये सब पार्टियों के लिए है, तमाम पॉलिटिशियंस के लिए है, तो ख़त्म नहीं होगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।